के बीच मौसम विभाग की एक चेतावनी ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की चिंता बढ़ा दी। दरअसल मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कल शाम यानी कि 16 मई को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान एम्फन आएगा, जिसके चलते अंडमान निकोबार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान के असर के चलते देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अभी एक लो प्रेशर सिस्टम साउथ ईस्ट बंगाल के ऊपर स्थित है। हमारा ये अनुमान है कि लो प्रेशर एरिया विल इंटेंसिफाई, वो इंटेंसिफिकेशन होकर आज एक डिप्रेशन में परिणत होगा और कल शाम को एक साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में परिणत होगा और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा 17 तक। इसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में इसका ट्रैक चेंज होगा। सो 18-20 ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करने का उम्मीद किया जा रहा है। अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ द लो प्रेशर सिस्टम वी आर एक्सपेक्टिंग द रेनफॉल टू स्टार्ट ओवर कोस्टल ओडिशा फ्रॉम 18th, व्हिच विल ग्रेजुअली इंक्रीज and become maximum on 19th, with possibility of occurrence of isolated heavy to very heavy rainfall in coastal districts, especially north coastal districts. And also we are expecting rainfall over West Bengal, especially the Gangetic West Bengal, on 19th and 20th, with occurrence of heavy to very heavy rainfall at a few places.